प्रदेश में कोरोना रोधी बूस्टर खुराक देने का कार्य सुचारू रूप से जारी है। फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों को फोन पर बूस्टर डोज लेने के लिए अवगत करवाया जा रहा है, जिसके तहत नागरिक नियमित रूप से अस्पताल में ये खुराक लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इस कार्य के प्रति पूरी तरह सचेत है। बूस्टर डोज तो ऐसा कि तो सेकंड डोज जिसने ले ली उसके बाद में इसको लेने से ये फायदा है कि आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी और कोविड से लंबे टाइम तक आपको प्रतिरक्षण मिलेगा, ताकि आप कोविड की होने की संभावना भी कम रहेगी और हो गया तो भी आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। और हमारे यहाँ पे जैसे हमारे एरिया में काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोग बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, जिन्होंने लगवाना है वो आ रहे हैं, लोग मोटिवेट करके भी लेके आ रहे हैं ताकि बूस्टर से और कोविड लगा के बूस्टर और कोविड से बचा जा सके, एरिया में कोविड फैले ना। बूस्टर डोज लगवाने वाले लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी पात्र लोगों को ये टीका निशुल्क लगाया जा रहा है और ये पूरी तरह सुरक्षित है। आज मैंने जो तीसरी डोज बूस्टर डोज लगवाई है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और वैसे ही डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि ये तीसरी डोज लगाने से हमारी कोरोना का खतरा बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर डोज को लगवाएं। मैंने बूस्टर डोज लगवाई है और बहुत अच्छा है जी, आप भी लगवाओ। कोरोना की तीसरी डोज है जो बूस्टर है मैंने लगवा ली है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले भी मैंने दो लगवाई है और बहुत अच्छा रहा, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहा।